हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल हेल्थ की दुनिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज लाए हैं। ऐसी चीज जो हर माता पिता के लिए चिंता का विषय होती है, वो है अपने बच्चे का खाना। हर माता पिता को यह चिंता होती है कि उसका बच्चा ठीक से खा नहीं रहा, वह ठीक से बढ़ नहीं रहा, उसने खाना चबाया नहीं, उसका वेट नहीं बढ़ रहा। तो हम आज आपके लिए ऐसी कुछ टिप्स लाए हैं जिनकी मदद से आप अपने बच्चे को आसानी से खाना खिला पाएंगे। बस आपको सबसे ज़रूरी चीज़ जो रखनी है वो है पेशेंस। तो आइए जानते हैं इस विषय के बारे में। हम आपको कुछ टिप्स बताएंगे जिससे कि जिसको फॉलो करके आप अपने बच्चे को सही तरीके से खाना खिला पाएंगे। बच्चों को खाना खिलाना बहुत ही मुश्किल काम होता है, हर माता पिता हर माँ जानती है। तो हमने आज आपके लिए इसी टॉपिक पे बात करने का सोचा है। इसके बारे में आपको कुछ सुझाव हम देने जा रहे हैं, तो आइए जानते हैं उनके बारे में। सबसे पहला है, बच्चों को खाने की चीज़ें बदल बदल के दें। बदलाव सृष्टि का नियम है, यह हम सब जानते हैं। वही चीज़ बच्चों पर भी लागू होती है। उनको चीज़ें बदल बदल के दें और देखें कैसे वो अपने आप इन चीज़ों के साथ खाना शुरू करेंगे। शुरू शुरू में आपका बच्चा खाने के साथ खेलेगा, क्योंकि वह इसको लेके उत्सुक होगा। वह धीरे धीरे अपनी तरह से इन चीज़ों को के साथ ढल जाएगा, उनको अपने में ढालेगा। वह इसके साथ अपना इंटरेस्ट लेना शुरू करेगा और धीरे धीरे आप देखेंगे कि वह यह खाना अपने आप खाना शुरू करेगा। क्योंकि इस उम्र के बच्चे 3-4 साल के 5 साल के बहुत ज़्यादा नहीं खा पाते एक बार में। उनको बार बार खाना देना चाहिए, थोड़ा थोड़ा खाना और बार बार दीजिए। इस उम्र के बच्चों को कम से कम 2 घंटे में कुछ ना कुछ थोड़ा सा खाने को जरूर दी। दूसरा है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि धैर्य रखिए, यानी कि पेशेंस रखिए। बच्चे के साथ पेशेंस रखना एक बहुत ही ज़रूरी और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। क्योंकि अगर आप पेशेंस खो देंगे तो बच्चे को पालना और बच्चे को खासकर खाना खिलाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। आपको हार नहीं माननी है कि आपका बच्चा चीज़ें बदलने के बाद भी खाना नहीं खा रहा है। आपको पेशेंस रखनी है और धीरे धीरे आपको फ़र्क अपने आप दिखने लगेगा। आपको बस एक रूटीन फॉलो करना है कि आपको जो बताया गया है वह आपने करना ही करना है। कभी थोड़ा कभी कम भी हो सकता है, लेकिन आपको छोड़ना नहीं है। इस चीज़ में आपको पेशेंस बना के रखनी है। आपको खाने की चीज़ों पर जो प्रोटीन रिच हो उन पे खास फोकस रखना है, क्योंकि यह इस समय में उनकी ग्रोथ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। इसलिए जो भी आप खाना दें उसमें ज़्यादातर पोर्शन में प्रोटीन ज़रूर हो, इस बात का खास ख्याल रखें। अपने बच्चे का दिन अच्छे से शुरू करें। अपने बच्चे को सुबह उठकर दूध दें, उसके बाद आप उसको नट्स दे सकते हैं, उसको फ्रूट्स दे सकते हैं, कोई भी बॉइल्ड प्रोटीन की चीज़ जैसे कि राजमा है, चने हैं, सोयाबीन है, या ऐसी कोई और चीज़ है। अगर आप अंडा खाते हैं तो अंडे से बनी कोई चीज़ है, और दूध तो आपको अपने बच्चे को ज़रूर देना है। आपको दिन की शुरुआत अपने बच्चे के लिए अच्छी करनी है, ताकि वह दिन भर चुस्त रहे और दिन भर उसका पेट भी भरा रहे, ताकि वह अच्छी तरह से ग्रो कर सके। इसके लिए आप चाहें तो उसके लिए 2 बादाम भिगोकर भी रख सकते हैं, जो आप उसको सुबह खाने को दे सकते हैं। उसके साथ ही 5 से 6 किशमिश भी आप उसको दे सकते हैं। इसके बाद आप उसको जो भी चाहें आप दें, लेकिन सबसे ज़रूरी है कि उसके दिन की शुरुआत अच्छी चीज़ से हो, अच्छे खाने से हो, ताकि उसमें एनर्जी भी बनी रहे। एक लिस्ट तैयार करें। हम सबको पता है कि हमारे बच्चे के लिए क्या अच्छा है, उसको क्या अच्छा लगता है, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम खाना देने लगते हैं, हम बच्चे के लिए कोई चीज़ लेने जाते हैं या उसको बना के देने लगते हैं, तब हम भूल जाते हैं कि हमें क्या बनाना है या अपने बच्चे को क्या देना है। ऐसे समय में ये लिस्ट आपके लिए बहुत काम आएगी। आप जो भी चीज़ आपके बच्चे को पसंद है या आपको लगता है उसके लिए हेल्दी है, उसकी एक लिस्ट बना के रखें। धीरे धीरे उसमें चीज़ें भी ऐड कर सकती हैं। ज़रूरी नहीं है कि एक बार में ही हर चीज़ आपको लिखनी है। बस एक बात का ध्यान रखना है कि कभी भी ऐसा ना हो कि आप अपने बच्चे के लिए कुछ बनाने लगे और आपको ध्यान ना आए, इसलिए आप एक लिस्ट ज़रूर बना कर रखें। अपने बच्चे पर दूर से नज़र रखें। अपने बच्चे को खाने के साथ छोड़ दें, उसको इंटरप्ट ना करें, बस दूर से उसको देखते रहें।
उसको खाने के लिए एनकरेज करें, पर उसके साथ जोर जबरदस्ती ना करें, उसको फोर्स ना करें। उसको चाहे तो खाने के साथ खेलने दें। आपका बच्चा खाने के साथ मेस बना देगा, वह गंदा भी हो जाएगा, लेकिन आप इससे डरे नहीं। इससे वह खेलना सीखेगा, साथ साथ वह खाना भी ज़रूर सीखेगा। पहले अगर आपका बच्चा नहीं भी खाता है तो वह धीरे धीरे खाना ज़रूर शुरू कर देगा। ये बच्चों की साइकोलॉजी होती है कि अगर हम उनको कोई चीज़ करने को कहते हैं, उनको हम फोर्स करते हैं, तो वो उस चीज़ से भागते हैं, और अगर हम कोई चीज़ उनसे ले लेते हैं, उनको मना करते हैं, तो वह उस चीज़ की तरफ ज़रूर जाते हैं। आपको बस इस चिल्ड्रन साइकोलॉजी पे काम करना है कि उनको खाने के साथ छोड़ दें, वह जो करना चाहते हैं वह करें, बस उनको दूर से देखते रहें, हर चीज़ पे रिएक्ट ना करें। जब आप अपने बच्चे को खाने के साथ खेलने के छोड़ देंगे, तो यह तो तय है कि आपके लिए धोने के लिए वह बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे कपड़े इकट्ठे कर देंगे, जिसको देखकर आपको गुस्सा भी आएगा, बुरा भी लगेगा। लेकिन आपको एक चीज़ जो रखनी है वह है पेशेंस। आपको कुछ दिन के लिए इन चीज़ का काम ज़रूर बढ़ जाएगा, लेकिन जो आपका ये पेशेंस है, यह धीरे धीरे आपको ज़रूर पे करेगा। अगर आप अपने बच्चे को डांटेंगे कि वह ऐसा ना करे, खाने के साथ ऐसा ना करे, तो वह खाने की तरफ से मुंह मोड़ लेगा और वह जल्दी अपने आप खाना नहीं खाना सीखेगा। इसलिए अगर आपको बुरा भी लगता है कि आपको बहुत सारी सफाई करनी पड़ रही है, बहुत सारे कपड़े धोने पड़ रहे हैं, तो यह सोचिए कि यह बस कुछ दिनों की बात है, और धीरे धीरे आपका बच्चा अच्छी तरह से खाना सीख जाएगा। तब आपको भी बहुत खुशी होगी कि आपका जो पेशेंस है उसने आपको पे किया है, उसने आपको रिवॉर्ड दिया है। बच्चे को खाना चबाना भी सिखाएं। बहुत सारे माता पिता की चिंता होती है कि बच्चा अब इतना बड़ा हो गया है और वह अभी तक खाना चबाता नहीं है, सीधा निगल जाता है। उनको डर होता है कि कहीं वह इसके गले में ना फंस जाए, और कई बार खाना चबाने से वह उसका न्यूट्रिएंट्स भी पूरी तरह से नहीं ले पाता और वह उसको हजम भी नहीं हो पाता। इसलिए अगर आपका बच्चा अभी यह सीख रहा है तो उसको सिखाएं। साथ साथ इस बात का भी ध्यान रखें कि आप उसको लिक्विड या सेमी सॉलिड फूड ही दें, जिससे कि आपका बच्चा उसे अच्छी तरह से पचा सके और उसको अच्छी तरह से खा भी सके। आप सोचेंगे कि आपका बच्चा ये जान के कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, वह धीरे धीरे इस प्रोसेस को फॉलो करेगा। कई बच्चे इस काम में थोड़े सुस्त होते हैं, वो चबाना नहीं चाहते, उनको यह काम लगता है। कुछ बच्चे अभी सीखे नहीं होते कि उनको चबाना कैसे है, इसलिए आपको इस चीज़ में भी पेशेंस दिखानी होगी। धीरे धीरे उनको टाइम देना होगा कि वह अपने आप ही चबाना सीख जाएंगे। कभी कभी बच्चे को इग्नोर भी करना सीखें। हमने आपको पहले भी बताया है कि बच्चे को जब आप खाना खिलाएं तो आपको उसके पीछे भागना नहीं है, उसको छोड़ दीजिए। जब आप बहुत ज़्यादा उसकी तरफ ध्यान देंगे, बहुत ज़्यादा अटेंशन देंगे, तो वह ज़्यादा नखरे दिखाएगा। इसलिए जब भी खाने का समय हो, यह देखिए कि आप पहले अपने दूसरे फैमिली मेंबर्स को सर्व करें। अपने बच्चे को बुलाएं ना, ना ही उसको कहें कि वह खाना क्यों नहीं खा रहा है, उसको आना है, उसको नहीं तो पनिशमेंट मिलेगी, ऐसा कुछ ना करें। बस आप उसको देखते रहें और दूसरे फैमिली मेंबर्स को खाने लेने दें, या आप खुद भी खाना खाने लग जाएं। अगर आपके बच्चे को भूख लग रही है तो वह अपने आप ही आएगा। अगर वह नहीं आ रहा है तो प्लीज़ पेशेंस रखिए और धीरे धीरे उसको किसी तरह से अट्रैक्ट करने की कोशिश कीजिए। अगर वह नहीं भी आता है तो कुछ समय के लिए उसको अकेला छोड़ दें, उसको आप बाद में भी जब भूख लगेगी आप उसको खाना खिला सकें। सबसे आखिरी लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है बच्चे का भूखा होना। खाने के बिना किसी के लिए भी जीना मुमकिन नहीं है, चाहे वह आपका बच्चा है, चाहे वह आप खुद हैं। इसलिए आप अपने बच्चे को भूख लगने दें और अपने आप उसको आपके पास खाने के लिए आने दें। इस चीज़ का आपको इंतज़ार करना होगा। आपको इतनी पेशेंस रखनी होगी कि आप उसको कुछ समय तक कुछ खाने को ना दें, जैसे खाने के समय उसको अपने आप भूख लगेगी और वह आपके पास खाने के लिए आएगा। अगर आपका बच्चा आपके पास खाने के लिए नहीं आ रहा है लेकिन वह रो ही जा रहा है, तब भी आप समझ जाइए कि उसको भूख लगी है, उसको खाना चाहिए, और आप उसको जो भी देंगे वह उस समय में खा लेगा। सबसे ज़रूरी चीज़ जो हर माता पिता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, वह है अपनी गट फीलिंग को सुनना, यानी कि जो आप अपने बच्चे के लिए सही सोच रहे हैं उसका पालन करना। यह हर माता पिता के लिए अलग समय, अलग टाइम होता है, अलग चीज़ होती है, लेकिन हर माता पिता अपने बच्चे के लिए एक फीलिंग ज़रूर रखते हैं कि आप उसके बच्चे को क्या चाहिए, या आप उसका बच्चा भूखा है
यह माँ आसानी से ही समझ जाती है, तो आप इस पे भी काम करें, इसको नज़रअंदाज ना करें और हमारी ऊपर बताई गई टिप्स भी ज़रूर फॉलो करें। हमें उम्मीद है कि आपका बच्चा इससे धीरे धीरे खाना ज़रूर सीख जाएगा, आपने भी कुछ ज़रूर सीखा होगा। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर हमसे वह जानकारी ले सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, इसको शेयर करें और हमारे इस यूट्यूब चैनल हेल्थ की दुनिया को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।